साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच सर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ, सब तो पहला करो जी कृपा, झुकाओ जी सारे गुरु जी के चरणों में शीस। कोई भी रसना वांझी ना रहे, बुलायो जी सारे फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि अज के दीवान की अगली आरंभता करिए, सब तो पहला बेनती करना परिवार जिन्होंने अज की सुखमनी साहब के जाप की सेवा लई है, हरदीप कुमार जी आके सरयोपा की बख्शिश लैन गुरु घर वालों जी, रेस्टोरेंट वालों जो अज सतगुरु पातशाह की गुरगद्दी दिवस से लड्डू की सेवा की गई सी संगत वालों, उन्होंने कोई नहीं पहुँच सकया, होर जिन्हों सार ने लंगर देवावान कीतिया ने, सतगुरु पातशाह सारे दे नाम आप जानते हैं, सतगुरु पातशाह सारे गुरसिखी प्यार गुरबाणी जोड़न का बल उद्यम बख्शन जी। तो आओ सब तो पहला दीवान की आरंभ के लिए सतगुर के चरणों जुड़न का सारे यतन करिए, सारे कृपा करो, कोई भी रसना बन जी रहे सारे ने नाल जाप करना जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सुजारे दे जिन्हां बच्चों ने मैनू बार बेनती कीती सी कि ऐसी शब्द बोलना, तो बेटी नू बेनती है कि स्टेज पर आ जाने जिन्होंने शब्द बोलना सी जी, सुजारे तो ने जड़े। उस तो बाद बेटी हरप्रीत कौर जिन्होंने कविश्री करनी है, उस तो बाद बेनती है जिहड़े सुजारे दे बच्चे सी जिन्होंने शब्द बोलना वह भी स्टेज के नेड़े आ जाण जी। आपां अज दे दीवान की शुरुआत करिए, दो लाइना कह के कि हुण डर डिगण तो नहीं लगता, हुण डर डिगण तो नहीं लगता, तेरे डर तो डिग के उठना नहीं, हुण डर डिगण तो नहीं लगता, तेरे डर तो डिग के उठना नहीं, एक तेरे डर ते चुके सीस साडा असी होर किसे अगे झुकना नहीं, एक तेरे डर ते चुके सीस साडा असी होर किसे अगे झुकना नहीं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे वाजा वाले गुरां नू इक सिख ने दस्या आण, मेरे वाजा वाले गुरां नू वाजा वाले गुरां नू इक सिख ने दस्या आण। बाई तार दे राजियां, बाई तार दे राजियां इक लई सकीम बना, उना पर के मश्क शराब दी, उना पर के मश्क शराब
गुरु बैठ किले उत्ते वेख दे, गुरु बैठ किले उत्ते वेख दे, सिंह लड़दा हाथी नाल, ओ गुरु बैठ किले उत्ते वेख दे, सिंह लड़दा हाथी नाल, अगो खूनी हाथी पै गया, अगो खूनी हाथी पै गया, हाथी चिकम मारदा पिछानु दौड़िया, उदा हो गया मंदड़ा हाल, सुन संगते गुरा दी है प्यारी है साड़ी कौम का सरमाया हुए करते हैं जो अज इस छोटी उम्र बच्ची दे इन्ना उत्साह इन्नी भावना है सतगुर पातशाह कृपा कर इस होर भी बुलंदियों से लैके जा होर भी तरक्या बख्शिश कर कि गुरु चरणों गुरु इतिहास संगतों दी सेवावां करते रहन अज के इस प्रोग्राम असी जिथे मीडिया सिख चैनल अज की कवरेज कर रहे हैं असी मीडिया सिख चैनल की भी दिलों धन्यवादी हाँ जिन्होंने आ के इत्थे ये कवरेज की है तो जिहड़े साडे मीडिया जिहड़ा साडी आवाज़ लोगों तक पहुँचाउंदा है असीं उन्हां दा सहयोग भी करना जिन्ना किसी को तिल फुल हो सके मीडिया का भी आपां सहयोग करना तो हुण ये प्रोग्राम सारा लाइव चलना सी किसी टैक्निकल प्रॉब्लम करके नहीं चल सकिया जिहड़ी गल होई सी पर हुणे उन्हां नाल विचार होई कहिंदे अगले दिनां विच ये लाइव प्रोग्राम होवेगा तो उहदा असीं जिहड़ा सारी दिन गुरद्वारा साहिब सुजारा जिनी तरीके देंगे जी अज सू दे बाद संगत में अनाउंस कर देंगे तुम अनाउंस कर देंगे तुम सारे ये प्रोग्राम की लाइव कवरेज आप सिख चैनल पर भी देखा जी तो हूँ बेटी को बेनती करदा कि वह स्टेज पर आ जाए अपनी जो शब्द कहना चाहते हैं वह अपना शब्द संगत ना साझा कर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम कह बंदे वाहेगुरु वाहेगुरु कह सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै गुरु ग्रंथ है गुरु साडा ए जोस दी लै ओ बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे भुल के गुरु चरणां नूं लाए आपो अपने डेरे कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे भुल के गुरु चरणां नूं लाए आपो अपने डेरे पीछे लग के साध पखंडियां दी तू बोल न जाए ओ बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै ओ साडे गुरां इक ओंकार दा सब नू सबक पढ़ाया ओ किरत करो ते वंड छको है सब नू एहो सिखाया ओ साडे गुरुआं इक ओंकार दा सब नू सबक पढ़ाया ओ किरत करो ते वंड छको है सब नू एहो सिखाया हक पढ़ाया मार मार के पापा विच ना पै ओ बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै साडी हस्ती भी मिट जावे पातशाह घर तेरे तो साडी हस्ती भी मिट जावे पातशाह घर तेरे तो सौदा महंगा नहीं साडी हस्ती भी मिट जावे पातशाह घर तेरे तो सौदा महंगा नहीं तुसी सतीवी दर्शन देवो विच नगर खेड़े साडे उंज इंसान का की दुनिया ते कोई सदा तो बैठा रहिंदा नहीं उंज इंसान का की दुनिया ते कोई सदा तो बैठा रहिंदा नहीं एक दिन इस दुनिया तो हरक ने जाना है बारो आपे अपनी चले मसायक सेख जिंदा जिंद निमाणी कढ़ीए हड्डा कूकड़काए
जदों मनुख का वो अंतरा समा आना है, वह समा निश्चित है, कदों आना किसी नूं इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, पर वो समा निश्चित है, जिथे होना वह भी निश्चित है। इसलिए जदों पहला मूल की बाणी पढ़ते हैं, निर्भौ निर्वैर का जाप किया, उसका अर्थ सिर्फ यही सी गुरु का खालसा निर्भौ तो निर्वैर है, ना किसी नाल वैर तो ना ही किसी का डर। भय काहू को देत नह नह भय मन त्यान। सो आप हुण वीर जी मनदीप सिंह जी जो दस्तार की सेवा इटली विच नहीं पूरे यूरोप विच नहीं पूरे दुनिया विच निभाते हैं, सतगुर इन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, दो चार शब्द दो वीर जी नूं जरूर बेनती है कि वो अपने संगत नाल सांझे करन। जी मैं नीवा ते मेरा मुरशद उच्चा, असी उच्चियां दे नाल लाई सदके जावां उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल नवाई। खाक जिन्नी औकात ना मेरी ते मेरे तो उपर ये जग सारा, ना ही मेरे विच गुण कोई ते मेरा सतगुरु नानक बख्शण हारा। सो मैं वैसे हैरान होया कि मैनू पहली बारी पिछले 11 सालों के किसी गुरद्वारा साहब की स्टेज पर बोलने का मौका दिता गया। बेशक पिछले 11 सालों तो जी ये दस्तार की सेवा मेरे वालों की जा रही है, गुरु महाराज जी लै रहे हैं। सो जे अज मौका मिलया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शायद 10 मिनटों के कुछ यहोजियां गल्लां कर जावां ते जिहड़ियां मेरे अपने दिल दे विच वी सी। सो साध संगत जी, सब तो वड्डी गल तां इह आ कि सिक्खी दे रस्ते दे उत्ते चलना बहुत औखा आ, क्योंकि दूजी गल इह आ कि मैं ना तो किसी के खिलाफ कोई गल करनी आ ते ना ही मैं किसी राजनीतिक कोई गल करनी आ, मैं उहीओ गल्लां करनी आ शायद जिहड़ियां मेरे हिसाब नाल करनियां चाहीदियां आ ते उही गल्लां करांगा। खैर दस्तार, सत संगत जी दस्तार पहला मैं गल कर रहा, दस्तार के पिछले 11 सालों तो मैं जिड़े दस्तार सिखलाई कैंप लाए वो एक बार फिर संगत दे विच दस देव, वो चाहे इटली हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे कोई भी कंट्री हो, मैं महाराज की हजूरी खड़ के अज भी कहना कि दास ने अज तक किसी गुरद्वारा कमेटी तो या किसी वीर तो मंग के ना पैसा मंगया तो ना ही मैं पैसा मंगूंगा, और ये मेरा वादा आ। क्योंकि मैं दस देव कि यह मैं करदा क्यों हाँ, साढ़े बड़े सिख वीर ने बड़े बड़े जथेदार ने अक्सर कह देंगे ने यार पग्गां चुकियां फिरदा पता नहीं कि लंबड़दारी नूं पिया होया, जां फिर सुनन नूं मिलदा मैनू यार अपने मूँह ते दाढ़ी है नहीं ये वड्डा पगड़ीधारी बनिया आ। साध संगत जी सिक्खी जज्बे दी आ, सिक्खी का जज्बा होना चाहीदा, मेरे अंदर एक जज्बा आ। पहला ये दस दवां मैं सेवा क्यों करदा, मैं 1.5 साल इस धरती से वेला रहा 2007 के मैं किसी वीर गुरद्वारा नवलारा रहा हूँ, किसी वीर पग बननी सिखाई से उन्हें मैंने काम से लवाया से, वह दिन चल गया, अज का आ गया, इस दाते ने मैं एक दिन भी वेला नहीं रहन दिता। बोले सो निहाल। तो दूजी गल उस दिन एक गल धार ली सी कि मेरा तन मन चलिया जाए, मैं फ्री सेवा करता रहूँगा, तो यह फ्री सेवा इदा ही करी जानी आ। मेरा एक विजन आ कि कोई भी बच्चा जिहदे सिर दे उत्ते दस्तार नहीं हैगी वह दस्तार भी असी फ्री दिंदे आ ते दे रहे हां, ते गुरद्वारा साहब वालों भी हुण दस्तारां दित्तियां जा रहियां ने, ते अग्गे भी दास इस तरह इस गुरद्वारा साहब विच भी जिहड़ा कैंप लाउंदा रहूगा दस्तार सिखलाई दे, कि मेरा विजन आ कि कोई भी साडा वीर जिहड़ा दस्तार तों वांझा ना रहे। ते दूजी गल रही गल सिक्खी दी, साध संगत जी मैं एक बेनती करदा, इत्थे प्रचारक भी आउंदे ने, सो मैं तां बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां फेस कर लईआं ने, बहुत कुछ सुनने को मिलता, क्योंकि साढ़े बच्चे कसूल आ जे पग्गां वालों ना मारते होंगे तो असी शायद बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर जाते। साडा दुश्मन कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, साडे अपने आ, तुहानूं भी पता इंडिया दे विच की कुछ हो रहा आले दुआले की हो रहा, किसी का नाम नहीं लैना है, आपां गुरु महाराज समत बख्शन हर एक इंसान नूं। पर साध संगत जी एक हथ बन के बेनती आ, मेरा विजन एको ही आ कि घट तो घट साडे अंदर जज्बा होना चाहिए सिक्खी का, साडे बच्चों के सिर पर घट तो घट दस्तार होगी, कल वह हौली 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 सिक्खी वल बढ़ने। मैं 100 नहीं 1000 की गिणती अज शगिर्द ने और अमृतधारी भी ने, मैं नहीं बनया क्योंकि सिक्खी कमाउणी बहुत औखी आ, जे इदा मेरे वर्गे नूं जने खणे नूं सिक्खी मिलदी हुंदी तां मैं कदों दा बन जांदा जां कोई होर बन जांदा। यह बहुत वड्डी गुरु महाराज की देण आ, जिहदे ते मेरा 10वें पातशाह बख्शिश कर दिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सिक्खी उहनूं मिलदी आ। तो बस एको बेनती करदा साध संगत जी, स्टेज के उत्ते भी जां कितें भी आपां जांदे आ कोई भी प्रचारक भी मिल जाए तो अड्डे के हाथ बन के बेनती आ, चंगियां गल्लां लै जाओ, उहदियां माड़ियां गल्लां नूं किसी यार दोस्त किसी मित्र सज्जण किसी साध संगत विच उतारो ना कि वह आह गल कहिंदा जां वह चुटकले सुणा गया। साध संगत जी असी कामयाब हो जावांगे, ये अस्थान सानूं गुरु महाराज ने बख्शिया,
शायद थानू भी पता है कि कह तो एक होर दूजी जगह पर स्थान बनाने की लोड़ पै जाती सानू। बस इको बेनती आ इतों के प्रबंधकों अगे भी कि मैं थोड़े इसे तरह जोड़े झाड़ता रहूँगा तो तुम भी इतों एक कट्टड़वाद तो दूर हो के एक वधिया सिखी एक अपने साड़ी सिखी के किन्ने रूप आ चाहे कोई दुमाला बंदा चाहे कोई मिशनरी चाहे कोई टकसाली चाहे कोई नामधारी चाहे कोई कोई भी किसी भी संपर्कता लिंक रखता साध संगत जी किसी ना चितारो रब न घर जो बंदा रब के घर जाने का रस्ता लभ के तुरै आ सतना वाहगुरु करता उन्होंने करन दौ हर एक का अपना जीवन आ। तो मैं तह दिल तो धन्यवाद करता हाँ इस साडे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने मौका दिता मैनू। तो इस दे नाल ही मैं दस देवां कि गुरद्वारा साहब जिहड़े दस्तार सिखलाई कैंप आ इसे तरह चली जाने तो दस्तारा भी गुरद्वारा साहब वालों दित्तियां जाणियां ने। तो बाकी मैं तह दिल तो धन्यवाद करता हाँ सिख चैनल का भी अक्सर जाते रहीदा इंग्लैंड भी कैंप लाउण ते काफ़ी हुंगारा दिंदे ने उत्थे भी इह दस्तार नूं। तो मैं शुक्रगुजार हाँ सारी साध संगत आ जिन्हां ने नमाणे नूं माण बख्शिया। सो दस्तार दे लई एक वारी फिर गज के बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने वीर मनदीप सिंह दे विचार सुने ने बहुत ही वधिया विचार वीर मनदीप सिंह जी दे के गए ने कि हस्ती ना मिटन देना मेरे कौम दे जवानों हस्ती ना मिटन देना मेरे कौम दे जवानों साड़ी हस्ती विच छुपिया साड़ा किरदार है साड़ी हस्ती विच छुपिया साड़ा किरदार है झूल दे निशान पूरी दुनिया च खालसे दे झूल दे निशान पूरी दुनिया च खालसे दे लखां विच खड़ा होवे सिंह इक कला लोकी दूरों वेख कहिंदे ओ सरदार है लोकी दूरों वेख कहिंदे ओ सरदार है। सो आओ सरदारियां कायम करिए सिरां ते दस्तारां लैके आईए। खालसा जी पिछले दिनों विच बाहर प्रबंधकों ने मेरे वीरां ने जिहड़े सेवावां निभाते ने एक बेनती की सी कि बाहर जो आपां सिरां ते रुमाल बन्ने आ वह बहुत थोड़े ने थोड़े रुमाल होर बनाए जाण असीं संगतां दी चरण धूल संगतां दे सहयोग नाल बाल ने रुमाल कटाने ने ते सिर ते दस्तारा बधाणियां ने। सो हर वो वीर हर वो शख्स जो गुरु के चरणों में परन करे अज तो गुरु घर में दस्तार सजा के आएगा उसनू दस्तार गुरद्वारा साहब तो सत्कार वजो भेट की जाएगी। ये असी परन किया है जिहड़ा भी वीर जिहड़ा भी भैन ये परन करे कि वह गुरद्वारा साहब आन लगे सिर ते दस्तार सजावेगा दस्तारा उसनू गुरद्वारा साहब वालों गुरु नानक के घर तो दस्तार भेट की जाएगी क्योंकि क्योंकि साढ़े ये अस्थान बनाने का मकसद सिर्फ गुरद्वारा साहब दियां गिनतियां बढ़ाना नहीं साडा मकसद है गुरु नानक के सिद्धांत नूं अगे तोरना। सो एक बेनती नाल ही होर करदा जावां क्योंकि जथा थोड़ा जिहा पिछे फस गया ट्रैफिक दे विच ते आपां थोड़ा जिहा समें नूं अगे लैके जाना ग्रुप जां बीबियां दे इक वक्खरी कमेटी बननी चाहीदी है जिस नाल असीं बीबियां किसी भी परिवार नूं बीबी नूं किसी नूं प्रॉब्लम है वह बीबियां उही उसनूं हैंडल करन। जे किसी भी गुरसिख वीर नूं मेरी गुरसिख भैण नूं इस विच कोई इतराज है कि बीबियां नूं कमेटी विच जां प्रबंध विच नहीं लिया जाना चाहीदा तां उह हथ खड़ा करके अज संगत विच दस सकदा है। जे सारे की सहमति है तो फिर असीं उसनूं अपने ग्रुप में लै लवेंगे जी। दूजी बेनती एक होर सी पिछले दिनों में की सी बाहर संगतां नूं कि इन्हां तिना महीनों में जिहड़े आ तीन महीने अपने बीते ने पिछले तकरीबन बहुत सालों तो संगतां सुजारे विच इस स्थान लई जतन कर रही हैं पर सानू सारे नूं पता है असी किन्नी क प्राप्तियां कीतियां। अज जे प्राप्ति होई है वह सतगुर पातशाह दी होई है सतगुर पातशाह नूं आया नूं इत्थे अज दो महीने ते कुछ दिन होए ने अज सतगुर पातशाह दा स्थान कायम हो गया है क्योंकि साडे गुरु तो कोई वड्डा नहीं सारियां अदारे सारियां संस्थावां गुरु तो थले ने सब कुछ साडे गुरु तो थले है सब तो वड्डा सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी साडे गुरु तो सारे छोटे ने सारे गुरु साडे गुरु तो कोई उपर नहीं पर फिर भी प्रशासन दे कानून दे अंडर विच रह के सारा कुछ करना हुंदा है ते उस दा असीं जतन कर रहे हैं कि हर चीज़ नूं कानून ते प्रशासन दे अंडर रह के ही कीता जावे। सो पहली बेनती जिहड़ी बीबियां ने कीती सी हजे तक किसी ने नहीं किया मेरा ख्याल है सारी संगत की सहमति है कि बीबियां दा एक विच आपां नूं लै लैना चाहीदा है। दूजी बेनती है जी आपां बेनती कीती सी पिछले पौने क तीन महीने तो इत्थे सेवावां चल रही ने इन्हां समयां दे विच जिन्हां वीरां ने दिन रात
हर वक्त इत्थे सेवा विच हाजिर रहे ने। कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता, बिल्डिंगा का काम भी चलता सी। उन्हां वीरां नूं साडी बेनती है कि उन्हां नूं सेवा विच लिया जावे तां कि कल नूं जदों भी भविख दे कोई फैसले लैणे होण, जिहड़े वीर हर टाइम इत्थे हाजिर रहिंदे ने उन्हां नूं नाल लै के असीं फैसले लै सकीए। इस तरह ना होवे कि असीं कमेटी विच जां सेवादार वो बंदे लै लई जिहड़े आण ही गुरद्वारे महीने बाद ते कल नूं फैसले लैणे होण ते साडे वास्ते फैसले लैणे कठिन हो जाण। इह दूसरी बेनती सी। इसका भी जे किसी नूं लगता कि सानूं सेवादार जो गुरद्वारे सेवा नहीं करते उन्होंने छड़ के वह बंदे लैने चाहिए ने जोड़े सेवा विच नहीं आते, वह भी हाथ खड़ा संगत विच कर दे ता कि सानूं पता लगे कि यह बंदा इस चीज़ के हक विच नहीं है। जे सारी संगत इस नाल सहमति है तो इसकी प्रवानगी भी अज संगत विचों ही लै लैनी चाहिए है। जे सारे प्रवानगी है तो संगत विचों कोई एक वीर जकारा दे तो इस गल नूं असीं प्रवानगी लईए कि असीं सेवादार जो सेवा करते हैं उन्होंने ही कमेटी विच लैना है जी। सात सो संगत की प्रवानगी है जी। दूसरी बेनती तीसरी संगत में एक होर कर जावां कि अज असी सानू ये हाल छोटा दिख रहा है पर यह हाल ये दरबार सतगुर दे ने, बहुत जल्द ये दरबार खुल जाने ने। आ बारियां जो बिचलियां कंधा ने वो निकल जानियां ने। आ सारा बारा हाल बारला हाल जो तुसी देख रहे हो ये सारा एक हो जाना। सिर्फ इस टाइम तक साढ़े को परमिशन की थोड़ी प्रॉब्लम आ जो आप कमूने तो कंस्ट्रक्शन दी पिछन लई दी हैं उसका तरीके तकरीबन 30 दिन तो उपर परमिशन पाई नूं हो चुके ने। जो 30 दिन के समय में कमूने ने जवाब देना हुंदा वो टप चुके हैं। सतगुर कृपा कारण बहुत जल्द सानूं परमिशन मिल जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन का काम उसकी गल कर रहे हैं, जो गुरद्वारा साहब की परमिशन वो आप संगतां ने ऑलरेडी दे दी है। जो होगा वो सतगुर के घर के सारे ने बैठ के पिछले हफ्ते ये तहिया किया सी, ये प्रण किया सी कि जिस तरह होगा असी सारे रल मिल के चलांगे। जे प्रशासन नाल सानू दूसरे तरीके कमूने मरे इकट्ठा होना पे तो सारे रल के इलाके के सारे रल के संगत असी इकट्ठे होकर कमूने मेरे प्रोटेस्ट भी करांगे जे लोड़ पई। पर सतगुर पातशाह कृपा कारण उसकी जरूरत नहीं पैनी क्योंकि गुरु नानक के घर में मत्था टेकन आयो मत्था लाना आयो, क्योंकि जिसने गुरु नानक के घर में मत्था गुरु नानक के घर ना मत्था लाया गुरु नानक के घर ना जिस मत्था टेकया वह मस्तक नूरो नूर, गुरु नानक के घर ना जिस लाया मत्था वह मस्तक चूरो चूर, गुरु नानक के घर ना मत्था लाण आया सिख इतिहास गवाह है। जिसने गुरु नानक के घर ना मत्था लाया वह सिर मिट्टी विच मिल गया, वह सिर दुनिया से नहीं रहे। चाहे वड्डिया वड्डे साथ बड़िया बड़िया जेड स्कॉटियां वाले इंदिरा वर्गे पापी बेअंते वर्गे पापी सिख कौम ने नहीं बख्शे। सो जिसने गुरु नानक के घर ना मत्था लाया वह कदे बख्शिया नहीं गया ना ही बख्शा जाएगा। सो ये बेनती सी आप सारे रल मिल के सहयोग करिए। बाकी जो बिल्डिंग की सू बेनती की है उपरली बिल्डिंग तकरीबन तैयार हो गई है, सिर्फ उत्थे स्कलदा मिंतो जो अपने गर्म करने लई सिस्टम हुंदा वो लाण नूं रहिंदे ने। सतगुरां दे सचखंड विच ऑलरेडी सब कुछ लग चुके आ। आप सब रब वर्गियां संगतां नूं जरूर बेनती है कि आप जाते हुए जरूर सचखंड विच सतगुरां दे उस सचखंड नूं नतमस्तक हो के जायो जिस सचखंड की असी सालां तों कई सालों तो वेट कर रहे सी उड़ीक कर रहे सी। अज वो सचखंड सतगुर दा सुजारे विच लग चुके है, वो गद्दी अज लग चुकी है, वह गुरगद्दी दिवस ते अज वो गद्दी सुजारे विच लग चुकी है। जदों तक साडे साह ने जदों तक सतगुर पातशाह साहां दी बुरकी इस नमाणे शरीर नूं पाउंदा रहेगा सेवा निभाते रहांगे, सतगुर कृपा करन सानू ते तुहानू बल बख्शण, असी सारे रल मिल के सतगुर दे इस घर नूं सजांदे ते सवारदे रहिए। ते हुण जथा साडे कोल थोड़ा चिर लेट है, उन्हां चिर मैं बेनती करां भाई साहब ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जो साडे पिता जी भी हन ते उन्हां नूं बेनती करां कि संगत विच एक दो शब्दों की हाजिरी लवाण जी। सो सारे करो जी कृपा, बुलायो जी सारे फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु प्यारे साध संगत जी हो बड़ भागे हो जिन्हां गुरमुख प्यारियां नूं गुरु महाराज जी पावन पवित्र निघी गोद दे विच बैठण दा सुभागा मौका प्राप्त होया है गुरु प्यारी साध संगत। सो रहो विचार सब तो पहला धन धन वाह वाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई गुरफतेह आपां ने बुलानी है। सो साध संगत गज बज के फतेह बुलाओ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਜ ਹਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਬਲਾ ਧਾਮਾ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। 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 ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਤਾ ਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਤਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਤਾ ਵੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ ਸੇਵਕ ਕੋ, ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਾਂ ਬੱਲਿਹਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਾਂ ਬੱਲਿਹਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ
नानक परसण आवे, नानक परसण आवे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दसी कलगी वाले आवे किथे लाला देने जोड़े, दसी कलगी वाले आवे किथे लाला देने जोड़े, माता गुजरी दिस दी ना किथे पाए ना विछोड़े, माता गुजरी दिस दी ना किथे जिसने दितियां सी सजावां, ओ केहड़ा पापी सी जिसने दितियां सी सजावां, किवें पाई शहीदी सी सुन के दिल दी प्यास बुझावां, किवें पाई शहीदी सी सुन के दिल दी प्यास बुझावां, सरहंद दी धरती ते ऊना जाके फतेह बुलाई, सरहंद दी धरती ते ऊना जाके फतेह बुलाई, नीहां विच चिणे गए ऊना धर्म नू लाज न लाई, नीहां विच चिणे गए ऊना धर्म नू लाज न लाई। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंग जी, जिस तरह की आप देख रहे हैं जो कि सुखमणी सेवा सोसायटी वालों इस नवें गुरु घर की स्थापना की गई आ, और तुसी देख सकते हो ये जो नवी बिल्डिंग लेके अज पहला दिन जो कि अज इन्होंने गुरगद्दी दिवस मौके पर स्थापना गुरु घर की ओपनिंग की है जी, और तुसी देख सकते हो गुरु घर की बिल्डिंग जो कि इन्होंने हले सेवावां चल रही हैं, तो जो कि ये बिल्डिंग लेके इन्होंने इत्थे शुरुआत की है। सुजारे की धरती से पहला गुरु घर है जी इतों, क्योंकि बाकी गुरु घर काफ़ी दूरिया पर पेंदे हैं जी, और बड़े सोहने तरीके सेवादार सेवावान निभा रहे हैं जी। देखो सतसंग जी, सेवादार कुछ गड्डिया की पार्किंग की भी सेवा कर रहे हैं, असी इन्हों भी विचार लेंगे जी। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी। साहब केड़ी जगह तो जी? सुजारे तो ही हैं जी अभी। ठीक है जी, अज तुम अपना नवे गुरु घर की जो सेवा तुम कर रहे हैं, किदां दा महसूस कर रहे हो? बहुत वधिया महसूस कर रहे हैं जी। असं मेरे पर उतारे गुरु ग्रंथ साहब जी पहले प्रकाश पुरब में, बहुत बधाई हो जी। वाहेगुरु जी लख लख बधाई हो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सतसंग जी, जिस तरह की आप देख रहे हैं कि सुजारे की जो इतने संगत पहुंची, असं इन्हों के व्यू लेंगे जी। जिहड़ा जी अपना अज यह गुरु गुरद्वारा साहब की ओपनिंग की है जी अज तो, इस बारे तुहाडे की विचार हैं जी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी। पहला मैं समूह साध संगत में जी गुरु गुरद्वारा साहब की ओपनिंग दे विच गुरु घर जो इतने स्थापित होए हैं, बहुत बहुत बधाई होवे। बाहरों आईया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आए आखते हैं जी, इतने एक जो सुजारे दे विच संगत में जी गुरद्वारा साहब की बहुत जरूरत सी इस काम दे विच। मेरे वीर काफ़ी लगे रहे, तीन चार साल तो पहला भाई बिक्रमजीत सिंह ते होर वीर साथी काफ़ी लगे रहे, तो कामयाब नहीं हो पाए। पर हुण जो है पिछले दो तीन साल तो वीर हरदीप सिंह, तो असीं उन्हां दे नाल जो है चले सी। अज महाराज जी पार बख्शिश कृपा के सदका गुरद्वारा साहब स्थापित होए हैं, महाराज सूप इतने लियाए गए हैं, महाराज जी पार बख्शिश हुई है। तो बहुत इतने संगत हुम हुम आके पहुंचिया ने। मैं तो आस करता जी इस तरह संगत पहुँच रहे कि कमेटी वाले वीरों को बेनती है कि सारे रल मिल के इस तरह महाराज जो है गुरु घर दी सेवा निभाते रहो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी की फतेह जी।
हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी तुसी केड़ी जगह तो आए जी जी अभी सुजारे तो जी सुजारे तो जी किस तरह का महसूस करते हैं थोड़े अपने एरिए दे विच गुरुद्वारा साहब अज शुरू होया जी असं जी बहुत माण महसूस करते हैं साढ़े गुरुद्वारा चले गए सानू पहला दूर जाना पैंदा जी अज साढ़े पिंड साढ़े गुरुद्वारा खुलिया असीं बड़ा माण महसूस करते हैं कि साढ़े संगतां नूं नेड़े बच्चों सियाणां नूं कि बच्चे नेड़े आ सकन उन्हां नूं आ जाण सकन कि असीं बहुत माण महसूस करदे कि साढ़े साढ़े पिंड गुरुद्वारा खुल गया असीं जी जी सदके वधाइयां दिंदे आ सारिआं नूं जी जी वाह खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह साध संगत जिस तरह की आप देख रहे हैं कि अज सुजारे की संगत वालों सुजारा मान तो वा इटली की संगत वालों जो कि नवे गुरु घर की स्थापना मौके जो सेवावान सिंह अपने निभा रहे हैं असी उन्होंने विचार लेंगे कि अज नवे गुरु घर की स्थापना मौके पर सेवा करते हैं कि माण महसूस करते हैं तुम ये सेवा जो कि आ भाई साहब देख रहे हैं गोलगप्पिया की जो कि सेवा लेके आई है संगत इन्हों पुछद कि जगह तो यह सेवा निभा रहे हैं जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी सब तो पहला जी प्यारी संगत को साध संगत को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ये सेवा जी सारे सियारे की संगत वालों की जा रही है जी रल मिल के महाराज के सहयोग के नाल संगत के सहयोग के नाल महाराज की कृपा के नाल किदां दा महसूस करते हैं नवे गुरु घर की थोड़े अपने शहर के नवा गुरु घर अज जो कि स्थापित होया इस बारे तुम कि माण महसूस बहुत खुशी की गल है जी देखो संगत को घर च महाराज का पैर कहते पे है ना तो संगत लिए बहुत भागा वाले असी कि महाराज आप चल के साडे घर पहला थोनू किन्नी दूर जाना पैंदा सी गुरु घर लई पहला इत्थों घट्टो घट जी 20-25 किलोमीटर दूर सीगा गुरु घर जाण आउण दी भी कईआं नूं औखी हुंदी क्योंकि देखो साधन का प्रबंध कईआं कोल है कईआं कोल नहीं है तो इस करके हुण सियाणे बजुर्ग जिहड़े साडे माँ बाप आ नहीं तुर सकदे चल सकदे दूर जा सकदे उहनां लई बहुत वधिया गल आ वाह खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी कोई होर मेरा भाई जी सेवा तुसीं केड़ी जगह तो आए जी सुजारे तो ही आए जी अच्छा सुजारे तो ही सेवा कर रहे हैं जी ओके जी वाह खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जिस तरह की आप देख रहे हैं कि अपने नवे सिंह जो कि सुजारा दे गुरु घर के इतने सेवावान निभा रहे हैं जी इन्हों असी इन्हों तो विचार पूछते हैं अज गुरु घर की नवी जो कि अज ओपनिंग की गई है इस मौके पर तुम की कहना चाहते हो जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी सारी संगत को पहलों तो बहुत बहुत बधाई जी सुजारे नवे गुरुद्वारा खुलने लिए क्योंकि साढ़े बच्चों इस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि साढ़े घर के बिल्कुल नज़दीक खुला जिमें बच्चे पहलों से साढ़े वो जिमें इस काम तो बहुत पिछे से जिमें दूर जाना पैंदा सी हुण साढ़े बिल्कुल लागे भी उन्होंने इस चीज़ की बहुत खुशी है वो ये जुड़े ने असी खुद इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हाँ कि साढ़े महाराज जी साडा घर गुरु का घर साढ़े पिंड घर बन गया जी इत्थे सुजारे की किन्नी क संगत आ जी सुजारे च जी साडा अपने इंडियन 500 के गेट है 400-500 वेरी गुड जी काफ़ी फैमिलियां चलो अपने और बहुत महसूस जो कि आप देख रहे हो साध संगत जी के ठाठा मारदा कट्ठ अज गुरु घर की ओपनिंग ते बहुत बहुत संगत पहुंची है जी और देखो तुसी ठाठा मारदा कट्ठ साध संगत दा ही ते जो कि सेवावां भी निभा रहे हैं और सुजारे दे विच इह पहला गुरु घर जो कि मानतोवा इटली सुजारे की धरती से जो कि पहला गुरु घर खुलिया और संगतां दा उत्साह देखण नूं अज मिलदा जी बहुत संगत आई आ ते आपां साडे भाई साहब साडे नाल जुड़ चुके इन्हों तो विचार लेंगे जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी आप जी कि जगह तो आए जी मैं सुजारे तो रहना जी अच्छा जी तो अज जिस तरह की सुजारे की थोड़े अपने ही शहर के थोड़ा अपना गुरु घर जो कि नवी ओपनिंग हुई है इस बारे तुम की विचार देने चाहते हो मैं सारा लख लख बधाई दिना जी बहुत खुशी आ बहुत ज्यादा खुशी आ कि बड़े चिर तो सानू भा 7-8 सालों तो लगी हुई संगत पहला वीर लगे हुए थे वाहेगुरु ने कृपा करके आप आया पा के सारा ही आप उन्होंने सिरे काम चाढ़िया वा मैं सारी संगत लख लख बधाई देना इस चीज़ की तो सारे रल मिल के सारे चलीए तो बाबे दी खुशियां लईए इत्थे जिस तरह की पता लग्या भी काफ़ी बहुत फैमलियां सजारा बहुत वड्डा हुआ इत्थे अपनियां इंडियन फैमलियां बहुत हैं तो काफ़ी समय तो गुरुद्वारा साहब की ओपनिंग दी चल रही सी इस चीज़ बारे विरोध तो नहीं होया बहुता ज़्यादा कोई संघर्ष तो नहीं थोनू करना पाया इस बारे संघर्ष नहीं बहुता करना पाया जी बाकी ठीक है चलता रहा वा कानूनी दायरे ने उन्होंने चलते रहते माड़े मोटे पर बाबे की कृपा बहुत आ सारा ही सरल सरल तरीके हो जाता जी ठीक है जी संगत खुश है जी सुजारे बहुत ज़्यादा खुश है बहुत ज़्यादा क्योंकि दूर जाना पैंदा सीगा कि उन्हां कोल लाइसेंस नहीं सीगे बच्चे छोटे सीगे बजुर्ग सीगे उन्होंने औखा हो जाता सीगा उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी आ भी नेड़े आ बिल्कुल शहर के तुर के जा सकते हो शाम जा सकते सुबह जा सकते हो बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की ओके जी वाह खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अपने नाल इस गुरु घर के जो मुख सेवादार उन्होंने ब्रदर जुड़ चुके हैं, असं उन्होंने तो भी पुछते हैं जी कि अज ओपनिंग मौके पर ठाठा मारदा संगत का कट्ठ जो कि बड़ी दूरों दूरों संगत पहुंचिया ने ते संगतों के बहुत उत्साह देखने मिल रहे हैं। और असी मेरे वीर तो पुछते हैं भी अज तुसी अपने ही पिंड जो अज गुरु घर की स्थापना गुरगद्दी दिवस मौके पर तुसी ओपनिंग की इस बारे अज संगत का ठाठा मारदा उत्साह देख के तुसी कि की माण महसूस करते हो? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज वीर जी माण तो इन्ना होंगे जिदा खुशी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी वीर जी, बहुत लंबे समय तो संघर्ष कर रहे थे। अज थोनू मैं लगता है इस तरह लगता है इतने की संगत को जिस तरह स्थापना दिवस गुरु ग्रंथ साहब का अज ही जिस तरह इस तरह लगता अज महाराज साढ़े विच हाजिर नाजिर हो गए। अज खुशी की कोई हद नहीं वीर जी, अज बहुत खुशी अज के दिन लैके वाहेगुरू। अच्छा जिस तरह की आज तुसी देख रहे हो कि सिख चैनल मतलब कि थोड़ी इतने ओपनिंग मौके पर थोड़ी करन आए हैं, तुसी चैनल बारे की कहना चाहते हो संगत? वाहेगुरू जी चैनल भी बहुत वधिया काम कर रहे हैं जी, जिस तरह हुणे केरला विच पिछे होया बिल्कुल जिते भी कोई औकड़ आती है उत्थे सिख नेपाल विच होया, नेपाल विच होया, केरला च होया, हर जगह पर चैनल पहुँचता। असी तो इत्थे दी संगत नूं इही बेनती करदे हां जिस तरह गुरु घर दे विच तिल फुल लैके भेटा करदे इस तरह सारी संगत नूं गुरु सिख चैनल की भी सेवा विच अपना योगदान पाना चाहिए जी। जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी वीर जी तुसी सिख चैनल दीयां सेवावां तो किस तरह महसूस करते हो जी? वाह खालसा वाह फतेह, बहुत वधिया उपराला जी, बहुत सोहना उपराला जी, रल मिल के जिन्ना भी प्रोग्राम कवरेज करते हैं जी इतने भी आए इन्ह का सारे नगर उन्होंने धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद जो पहुंचे उपराला किया इन्होंने, तो बहुत वधिया सेवावां ने सारे दुनिया च तो सारे जगत दिखाया जाता भी जिते भी कोई प्रोग्राम होता सारे मूहरे होकर पहुँच के कर जाते हैं जी। जिस तरह कि नेपाल च भी सिख चैनल ने गुरद्वारा साहब खोल के दिया, देखो उत्थे सिखी का जो कि है नीह सी है उत्थे सिख बड़े पक्के सीगे ते उन्हां नूं गुरद्वारा साहब बना के दिया, वो सेवावां बारे तुसी सिख चैनल मैं कह जाना बहुत बहुत धन्यवाद करते जी उन्होंने एडा एडा वड्डा उपराला करते आ तिल फुल इकट्ठी करके सारे जाके दुखियां दा जाके सार लेंदे आ चाहे जिदा भी है मीडिया तो अज का युग मीडिया का युग है जी, मीडिया की बहुत जरूरत है जी सेवा तुम कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत खुशी गल है तुम पहुंचे इतने पहुंचने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी जिस तरह की आप देख रहे हैं कि बड़ी दूरों दूरों संगत पहुंचिया हुई ने अज असी इन्हों के भी विचार लेंगे जिस तरह की हाँ जी भाई साहब जी तुम कि जगह तो आए जी? हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। असी जी वरोना डिस्ट्रिक्ट नगारे तो आए हैं जी, तो सारी संगत इतों की वधाई दे पात्र है जी जिन्हां ने इन्ना वधिया उपराला करके संगत नूं जोड़न वास्ते एडी वधिया जगह का प्रोग्राम लिखिया, बहुत ही मतलब जिहड़ी सुजारे की संगत है सारी वधाई दे पात्र है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जिस तरह की अज गुरद्वारा साहब का नवी ओपनिंग मौके असी साडियां भैणां जो कि जुड़िया हुई असी इन्हां दे विचार लैंदे आ कि अज नवा गुरद्वारा साहब की ओपनिंग मौके किदां दा महसूस करदे आ जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू बहुत खुशी है साढ़े सुजारा नगर विखे गुरुद्वारा नवा खुलिया है, इस करके अज प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होया अज सानू ये भी बहुत जान के बड़ी खुशी हुई है, अज प्रकाश सुखासन भी इतने होणगे सानू ये भी बहुत बड़ी खुशी आ। इस करके सारिया संगतां नू निवरता से बेनती है सं सवेर आके गुरु साहब जी के दर्शन करो, निवरता से बेनती करो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। भैन जी जिस तरह की सिख चैनल थोड़े को इतने पहुँचे रिकॉर्डिंग करने लिए और सिख चैनल नू तुसी की कहना चाहते हो जी? वाहेगुरू जी खालसा वाहेगुरू। सिख चैनल की बहुत ही बहुत बड़ी मानता है, इस करके सिख चैनल सब बद चढ़ के साथ दो तुसी, ये साढ़े हरेक हरेक पास की कवरिंग करते इंडिया की भी इतने की भी हरेक ही कंट्री की कवरिंग करते हैं, तो हरेक बहुत वधिया टीवी विच भी प्रोग चलते गुरबाणी नितनेम सब सुनी दा है, इस करके वध तो वध इन्हां संजो दो ना वीरां दा जो भी इटली विच आए हैं कवरिंग करते इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भैन जी तुसी की कहना चाहते हो जी? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरबाणी पढ़ो गुरबाणी सुनो सिख कौम की वध तो वध सेवा करो। वाहेगुरू जी का खालसा।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैन जी जिस तरह की आज थोड़े अपने शहर के गुरु घर खोलिया इस बारे तुसी की कहना चाहते हो जी? हाँ जी, सानू बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि सुखमनी साहब सोसायटी सुजारा वालों सुजारा विखे एक गुरुद्वारा साहब खोलिया गया है तो अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश दिवस बहुत ही धूमधाम मनाया जा रहा है। असी देखते सी कि सानू काफ़ी दूर जाना पैंदा सी, कई घर के काम कार की वजह नाल साढ़े को दूर नहीं जाया जा सकता सी, पर हुण इन्हां दे मतलब वजह नाल दे प्रेम सत्कार की संगत की वजह नाल साढ़े नेड़े ही अपने शहर के गुरुद्वारा साहब खुल गया, जिस नाल सानू बहुत ही वधिया महसूस हो रहा है तो असी बहुत ही वधिया तरीके नाल आके गुरु साहब के दर्शन कर सकते हैं। जिस तरह सिख चैनल हर जगह जाके कवरिंग करते हैं, सिख चैनल नू तुसी की कहना चाहते हो? सिख चैनल नू तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहनी हाँ, वधाई देना चाहनी हाँ तो एपरीशिएट करना चाहनी हाँ कि जिस तरह वो साढ़े इतने सुखमनी साहब सोसायटी सुजारा में आए हैं तो जगह जगह पर जाते हैं, मैं उन्होंने एपरीशिएट करती हूँ कि इस तरह ही वो संगतों को दर्शन देते रहन तो अपना इस तरह ही अगू प्रोग्रेस करते रहन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिस तरह की तुहाडे अपने ही शहर में गुरु घर की अज ओपनिंग हुई है, इस बारे तुसी की कहना चाहते हो जी? भाई सानू ये सुन के बहुत ही खुशी हुई है, 3 महीने मैंने हो गया इंडिया तो आए नूं, इत्थे गुरुद्वारा स्थापित हो गया, सारी संगत नूं इन्नी खुशी हुई है कि अज साडे दिलों नूं पुछ नहीं सकते असी, क्योंकि सानू इन्नी सहूलत मिलेगा कि रोज़ महाराज दर्शन करांगे, रोज़ इत्थे आवांगे, सियाने बंदे नूं तां इन्नी खुशी है कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हाँ जी, साढ़े नाल होर भी भाई साहब जुड़े हैं जी, असं इन तो भी पुछते हैं, तुसी सिख चैनल जो कि अज इत्थे सेवा निभा रहे हैं, इस बारे तुसी चैनल नूं की कहना चाहते हो? वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जी सिख चैनल बहुत ही टाइम तो सिखां दी सेवा कर रहा, जो कि लाइव कीर्तन लाइव टैलीकास्ट अज सुजारे प्रोग्राम हो रहा, लाइव टैलीकास्ट हो रहा, बहुत खुशी वाली गल है जी। सिख चैनल नूं गुरु महाराज चढ़दी कला विच रखे, होर तरक्कियां बख्शे, तो संगत नूं ही बेनती करदे आ कि सिख चैनल दा वध तों वध साथ दिओ, वध तों वध सहयोग माइक सहायता दे नाल सहयोग दिओ तां कि होर भी सिख पंथी सेवा कीती जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिस तरह की आप देख रहे हैं अज जो कि नवें गुरद्वारा साहब की ओपनिंग समय सुखमनी साहब सोसायटी वालों जो कि गुरद्वारा सुजारा विखे नव गुरु घर की ओपनिंग अज की गई आ, इस विषय से आप पुछते हैं क्योंकि अपने नाल जुड़ चुके हैं गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के वीर जुड़ चुके हैं साढ़े नाल, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके इस अज गुरु घर की जो अज ओपनिंग की आ और जो किया, इस बारे असी इन्हों व्यू लें कि यह की कहना चाहते हैं अज की खुशी के दिहाड़े जो कि अज गुरद्वारा साहब की अज पहला दिन तुम ओपनिंग करके शुरुआत की किस तरह का महसूस कर रहे हो जी? परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संघ जी, हो सर्व साध संघ फतेह बुला, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सुजारा की सारी साध संगत ने तकरीबन 9-10 साल हो गए संघर्ष करद, गुरु साहब तो गुरद्वारा खोलने वास्ते बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करन तो उपरंत सिख संगत तकरीबन 3 साल तो काफ़ी गूढ़े संघर्ष के पहुँच गई सन, 3 साल काफ़ी संघर्ष किया गुरु प्यारी साध संघ जी, संघर्ष तो बाद अज गुरु साहब ने कृपा की है, गुरु घर आप जी देख रहे हो बेअंत संगत हैं और सेवादार सेवा कर रहे हैं, सो मेरी तो यही गुरु साहब के अगे प्रार्थना है, बेनती है गुरु महाराज समूह प्रबंधक कमेटी और इलाका निवासियों का आपस में सुख संतोख बख्शिश करन तां कि जो गुरु घर है चढ़दी कला में जाए, क्योंकि कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इन्हां कार्यां दे विच अड़िका भी पाते हैं, पाते भी रहे हैं, गुरु कृपा करे सारे नूं समर्थ बख्शिश करे, इस तरह गुरु घर चढ़दी कला में जाए, और सारी संगत नूं सारे प्रबंधक वीरां नूं मेरी बेनती है कि सारे सहयोग दिओ, एक दूसरे नाल मुंडे नाल मुंडा जोड़ के सारे काम करो तां कि गुरु घर दा जो सारा कार्ज है, अजे बहुत कार्ज अधूरे पे हन, नेपरे चढ़ सके, सारी संगत मिल के चलो, यही सारे नूं बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा। सिख चैनल जो कि यह जो कि अज थोड़ी इस समागम च सिख चैनल जो कि पहुंचे इत्थे, इस तुसी चैनल नूं की कहना चाहते? गुरु सत्कार जो गुरु प्यारी साध संघ जी, हो जो सिख चैनल है ये तकरीबन साढ़े इटली दे विच और इंडिया दे विच भी बहुत जगह पर जाके अपनी सेवा निभा रहा है, सो मेरी गुरु साहब के चरणों में यही बेनती है, गुरु महाराज सिख चैनल नूं चढ़दी कला में रखन,
ये जो वीर सारे सेवा कर रहे हैं इन्हों तंदुरुस्ती बख्शन, इस तरह संगत की सेवा करते रहन, गुरु महाराज की कृपा कर अपनी सेवा लेंदे रहन। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। हाँ जी, हूँ अपने नाल भाई साहब जुड़ चुके गुरद्वारा साहब के मुख्य सेवादार, जो कि जिन्होंने गुरद्वारा साहब दियां सारियां सेवावां निभाउंदे हुए इत्थों दी संगत नूं नाल जोड़ के अज गुरु साहब की ओपनिंग की आ। और साडे नाल भाई सिंह साहब जी, भाई हरदीप सिंह जी, जो कि गुरद्वारा साहब के मुख्य सेवादार, असी इन्हां तों भी विचार लैंदे आ इह अज दे दिन ते की संगत नूं की कहना चाहुंदे आ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला समूह संगत नूं देशां विदेशां विच जिथे भी वसदी है सब नू गुरु ग्रंथ साहब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरगद्दा गुरगद्दी दिवस के इस पवित्र दिहाड़े की मुबारकबाद होवे, क्योंकि अज असी सतगुर पातशाह का गुरगद्दी दिवस सुजारे विच मना रहे हैं। गुरगद्दी दिवस के नाल नाल ही सतगुर पातशाह के चरणों में अज अरदास बेनती की है। जो अरदास बेनतियां पिछले कई सालों तो सतगुर पातशाह के चरणों में इलाके की संगत करती आ रही सी, पर साडियां कीतियां कोशिशां नाकामयाब होंदियां रहियां। सतगुरु पातशाह नूं आए नूं अज दो महीने कुछ दिन साढ़े नगर विच होए आ। साढ़े पिता जी ने भाणा वरताया, सतगुरु ने भाणा वरताया, दो महीने विच जो साढ़े जो कार्ज असी सालां विच नहीं कर सके वह सतगुरु पातशाह ने कुछ दिनों विच कुछ दो चार महीनों विच करके साढ़े सामने प्रतख रूप दस दिता है कि सतगुरु नानक दे घर नूं सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सतगुरु नानक तो वड्डा दुनिया विच कोई भी अदालत कोई पहरा कोई कानून नहीं है। ठीक है विदेशों में रहिंदे सानू बहुत सारिया प्रबंध बहुत सारे सिस्टम का प्रशासन मिल के चलना पैंदा, पर सतगुरु नानक तो वड्डा कोई नहीं। जिस सतगुरु नानक ने साडी सालां दी कीती मेहनत नूं सिर्फ दो महीनों विच करके कामयाब कर चुके दिखा लिया, सो सतगुरु नानक पातशाह का सतगुरु नानक पातशाह दी समूह संगतां दा इलाके दियां सूस मंगतां दा कोटन कोट धन्नवाद। आओ सारे अगे भी इस तरह मिल के चलीए ते असी इस नवें अस्थान नूं चढ़दी कला विच लैके जाइए, आपसी प्यार बनाई रखिए, इतफाक बनाई रखिए, एक दूजे नाल मोंडे नाल मोंडा जोड़ के सतगुर दे इस घर नूं जो सतगुर साडे घरां नूं चुनांदा है उस घर दी ओट आसरा लै के उस घर दे चरणां विच अरदास बेनती करिए। सतगुर पातशाह साडे इस नगर विच जुगां जुगांतरां तक अपने दर्शन दिंदे रहन, साडियां आण वालियां पीढ़ियां नसलां इस अस्थान तों सिख्या लैंदे रहन जी। सो इन्नी ही बेनती प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।